अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आए हैं और सबसे अहम जो है वो आपके मिड टर्म की रिजल्ट कैलकुलेशंस हैं जो कि आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वैसे तो मैं 12 मरतबा बता चुका हूँ कि आपकी मिड टर्म की कैलकुलेशंस जो हैं वो किस तरह से की जाती हैं, ठीक है। पर यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि आप लोगों ने किस तरह से, आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आप कितने परसेंट मार्क्स गेन कर चुके हैं, ठीक है। मैंने एक स्टूडेंट का यहाँ पे रिज़ल्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे सपोज करें इनका जो पहला सब्जेक्ट है MGT 603, इनमें इनके टोटल मार्क्स जो हैं वो 24.04 आए हैं। इनकी जो, आप लोगों ने ये मार्क्स नहीं देखने, आप लोगों ने देखना है 63% जो इन्होंने परसेंटेज गेन की है, ठीक है। ये परसेंटेज, इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। इस 63% को आपने मल्टीप्लाई करना है 20 से, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आएगा, ऑलमोस्ट आपका जो है वो 12 पॉइंट समथिंग का आंसर आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने जो अपने फाइनल टर्म के आपके 50% आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए, उसमें से आपने 12% मार्क्स जो है वो गेन कर लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने समझ लेना है। आपको उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स और लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसी तरह हर सब्जेक्ट के आपने जो परसेंटेज आपकी आई है ना मिड टर्म की, उसको मल्टीप्लाई करना है 20 से, क्योंकि मिड टर्म की जो वेटेज है वो 20% है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, तो आपने एक रफ सा 50% लिख लेना है जो कि आपकी मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है, उसमें से आपने वो डिडक्ट करना है और जो भी आपके पास आंसर बचेगा तो इसका मतलब है कि इतने परसेंट मार्क्स आपको मजीद लेने हैं। इसकी और कैलकुलेशन इजी क्या, किस तरह से हम कर सकते हैं। बाकी जो 20% है आपकी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसमें आपने अपनी क्विज़, GDP और असाइनमेंट्स के मार्क्स जो हैं वो ऐड कर लेने हैं। वो बाद में हम इसको डिटेल से देखेंगे, अभी सिर्फ मिड टर्म की आप कैलकुलेशन देखें, ताकि आप इस तरह से फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे अगर आप बाकी उनकी भी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ मिड टर्म की कैलकुलेशन करें, बाकी उसके रिलेटेड डिटेल वीडियो मैं जल्दी पोस्ट करूंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं जिसमें आपकी अवार्ड लिस्ट है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले नीट बेस्ड स्कॉलरशिप्स वाले स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उनके लिए जो है ये उनकी लिस्ट लग गई है, ठीक है। उन्होंने अपने इसमें अपना नेम देखना है, अगर उनका नेम आ गया, क्वालिफाइड कर लिया उन्होंने, तो वो फिर अपने इंस्ट्रक्टर से या यूनिवर्सिटी के कैंपस में रब्ता करें। उसके बाद में यहाँ पे दो तरह की लिस्ट आप देख रहे हैं, लिस्ट ऑफ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट या लिस्ट ऑफ मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स की। इसमें फ़र्क ये है, न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने इस साल इस सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, ठीक है, उनके मेरिट के लिहाज से उनकी लिस्ट लग गई है, उन्होंने अपना नेम देखना है यहाँ पे, जितने भी उनको परसेंट जो है स्कॉलरशिप अलाउ की जा रही है वो फिर इसको अवेल कर सकते हैं। और जो कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लिए हैं, ठीक है, और उसके लिहाज से जो मेरिट लिस्ट लगेंगी उनमें उनका नाम वो देख सकते हैं और उस लिहाज से वो फिर अपने आप को उसमें एलिजिबल करवा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम तो पूरी फ़ीस पे कर चुके हैं, ठीक है, तो अब हमें स्कॉलरशिप किस तरह से मिलेगी, ठीक है। तो इसका तरीकेकार ये होगा कि आपको जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको जो है इसकी स्कॉलरशिप मिल सकती है, या फिर आप अपने मज़ीद मालूमात के लिए अपने कैंपस में रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको बेटर तरीके से बताएंगे कि आपने इसके लिए फ़र्दर क्या करना है। पर जो स्टूडेंट्स फीस पे कर चुके हैं, अब उनको वापस फ़ीस तो नहीं मिलेगी, पर ये कि नेक्स्ट ट्यूशन फ़ीस जो उनकी आएगी वो उनको पे नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू ऑल स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप मिली है, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको नीट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मिली, उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटी के पास एक ख़ास जो है वो उनके लिए एलोकेटेड बजट होता है, जिसमें अकॉर्डिंग उन्होंने स्कॉलरशिप देनी होती है, ठीक है। और नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आपको हर सेमेस्टर में इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ता है। कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।